हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दलिया। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी दलिया बढ़िया नहीं बनती है, क्या ऐसा करें जो वो टेस्टी भी बने। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और परफेक्ट बनेगी दलिया बिल्कुल। और कितना क्या लेना है ये भी देखिए। ये है आधी कटोरी दलिया, जो रेडीमेड दलिया आती है वो दलिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच भर के डाल देंगे आप घी, वो काफ़ी है इतनी दलिया भूनने के लिए। दलिया बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इसलिए दलिया को थोड़ी मात्रा में ही लें। यहाँ पे हमने सिर्फ आधी कटोरी दलिया ली है और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको हम सबसे पहले भून लेंगे। दलिया खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो कि पहले आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। और बच्चों के लिए तो ये एक पौष्टिक आहार ही है और बड़ों को तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो जहाँ तक हो तो खाने में रोज़ दलिया का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। और ये दलिया देखिए धीमी धीमी आंच पे बढ़िया कलर बदलने लगी है, ये दाने इसके वाइट वाइट दिखने लगे हैं। जैसे इसके दाने वाइट होने लगे तो ये समझिए कि दलिया भुन गई है और इसमें से बहुत भीनी भीनी खुशबू आएगी। कम से कम 2 मिनट तो इसको ज़रूर भूनना पड़ेगा, तभी इसका कलर अच्छे से आएगा। अब दलिया मेरी लगभग भुन चुकी है और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, लेकिन अभी फ्राई पैन गर्म है इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर। कलर भी इसका देखिए बढ़िया है, दाने बिल्कुल खिल गए हैं इसके। इस तरह से दलिया को भून लें और एक भगोने में या फ्राई पैन में किसी भी बर्तन में आप दूध रख दें। ये 1 लीटर पूरा दूध है, फुल फैट वाला। 1 लीटर दूध इतनी दलिया के लिए सही रहेगा। और इसी दूध में हमने हल्का गुनगुना दूध हो गया है और इसी में ये दलिया हमने तुरंत डाल दी है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे हम, स्लो कर देंगे और धीमे धीमे इसको हम पकाते रहेंगे। देखिए इसमें उबाल अच्छे से आने लगा है और बराबर इसको हम चलाते भी रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे से लगने का डर रहेगा। 15 मिनट हो चुके हैं और दूध मेरा आधा बचा है, दलिया लगभग पक चुकी है। और इसमें डालेंगे अब हम 2 इलायची, इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा अच्छे से। और 1 से 2 मिनट इसको अभी हम और पकाएंगे। और 2-3 मिनट पकने के बाद देखिए हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और दलिया आधा दूध बचा है। दलिया देखिए गाढ़ी भी हो गई है। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे शक्कर। चीनी आप उतनी ही डालेंगे जितनी की हमने दलिया ली थी, हमने आधी कटोरी दलिया ली थी तो हम इसमें आधी कटोरी ही शक्कर डालेंगे। इतनी शक्कर में बहुत अच्छे से दलिया मीठी हो जाएगी, ना ज़्यादा और ना कम। लेकिन अभी ये खाने वाली नहीं है क्योंकि इसको हम थोड़ी देर 10 मिनट ढक देंगे। 10 मिनट नहीं, आप मान के चलिए कम से कम 20 मिनट 25 मिनट इसको आराम से ढक के रख दीजिए, क्योंकि दलिया का दाना भी और फूलेगा। देखिए 20 मिनट बाद हम आप इसको दिखा रहे हैं और ये कितनी गाढ़ी हो गई है। जितनी देर रखी रहेगी उतनी बढ़िया दलिया बनेगी और बहुत ही गाढ़ी बनेगी। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है। और चलिए इसको सर्व करते हैं। देखिए गाढ़ी गाढ़ी दलिया बहुत ही बढ़िया यम्मी दलिया बनी हुई है। और यदि आप दलिया बनाएं तो उसमें हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी रखेंगे, तो बराबर की रखेंगे तो दलिया आपकी भी परफेक्ट बनेगी। दूध ज़्यादा और दलिया की मात्रा बहुत ज़्यादा कम, और जितनी दलिया उतनी ही शक्कर लेंगे तो आपकी दलिया भी बहुत अच्छी बनेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और यदि आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।